स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10, आपके साथ मैं हूं शखान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आज द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे। वे दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने की पेशकश करेंगे। बता दें कि मिस्र की माली हालत बहुत खराब है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार घट रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करना उसके लिए सही साबित हो सकता है। पीएम मोदी और एलसीसी के बीच द्विपक्षीय कारोबार के साथ ही रक्षा क्षेत्र में सहयोग प्रांगण करने पर भी बात हो। एलसीसी का 25 जनवरी की सुबह राष्ट्रपति भवन में राजकीय समारोह में स्वागत किया जाएगा। बता दें उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग से बात होगी। भारत के लिए मिस्र के साथ कारोबार को बढ़ाना बहुत अहम है।